वेलकम बैक टू शिरीष आकांक्षा व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है 30th of November एंड हम लोग जा रहे हैं बेबी के पासपोर्ट के लिए। तो क्योंकि वो इतना छोटा है इसलिए पेरेंट्स को, मतलब मुझे और शिरीष को भी जाना है एंड वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हम लोग के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो जाते हैं। नहीं पड़ता भाई शिरीष को, मम्मी पापा को अकेले कैसे जाएगा वो। हाँ वो भी है। तो इसलिए बस हम लोग जा रहे हैं अब। और बाहर आप देख सकते हैं इतनी बर्फ है, -4 degrees टेम्परेचर है बाहर का। तो हमने सब कुछ कवर ओवर कर लिया है। बेबी को मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये मस्त देख रहा है बाहर, हल्की हल्की धूप भी आ रही है। बाहर देखो गाइस इतनी मस्त, पूरा वाइट वाइट हो गया है। भाइयों कहाँ जा ले भाइयों, अभी उसका ध्यान खिड़की में ही है, खिड़की की तरफ देख रहा है। पहले ये इस कार सीट में बैठने में बहुत रोता था, आज लकीली बैठ गया है एंड हमने ये छोटा सा टॉय भी टांग दिया है। ने अपनी तरफ पूरा गद्दा बना दिया है। कपड़े इतने पहने हैं गद्दे जैसे। हाँ, ये ठंड इतनी है ना तो हमने पूरा कवर कर लिया है। कितना मस्त लग रहा है बाहर। तो गाइज हम लोग USPS के ऑफिस आ गए एंड अंदर जाके देखते क्या होता है। हम लोग ने इसका 2-3 दिन पहले पासपोर्ट साइज फोटो तो निकलवा लिया था, बट शायद अंदर अगर वापस फोटो लेंगे तो देखते हैं। एंड पता नहीं अंदर रिकॉर्ड तो शायद करने नहीं देंगे, तो फिर हम लोग अंदर जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। चलो बच्चे को बाहर निकालते हैं। उधर से खोलूं? हाँ मैं तो ये इसको निकाल देना। तो वापस आ चुके हैं। 10-15 मिनट में काम हो गया। हम लोगों ने ऑलरेडी फ़ोटो लिया था तो फ़ोटो उनको खींचना नहीं पड़ा, दोबारा अच्छी फ़ोटो आई थी इसकी। एंड बेबीज़ की फ़ोटो लेने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कभी उनकी आईज़ क्लोज रहती है या फिर वो रो रहे होते हैं, बट इसने बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक कराया था परसों जब हम गए थे। तो हाँ फटाफट काम हो गया। फॉर्म हम ऑलरेडी भर के लाए थे, हम दोनों के आईडीज़ देखे, ओथ लिया हम दोनों ने कि सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और बस हो गया। तो या अभी चलते हैं। हाँ ये तो पूरे टाइम सो ही रहा था और उन्होंने बस देख लिया, इसकी फ़ोटो से मैच कर लिया इसको कि हाँ यही यही बेबी है। तो हाँ